फॉर्च्यूनर को टक्कर देने के लिए अब आ चुकी है फोर्ड एंडेवर। इस प्रकार की दिखती है इसकी की। फ्रंट से आप देख सकते हैं इसका लुक काफी ज्यादा मैसिव। आप जो देख रहे हैं ये फोर्ड एंडेवर का 2024 का नया मॉडल है जो इंडिया में लॉन्च होने वाला है। इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस कर दिए गए, जैसे कि आज की फ्रंट लुक काफी ज्यादा मैसिव कर दी गई है। इसके अंदर बाईफोकल प्रोजेक्टर बीम दे दिए हैं। इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं इसके साइड व्यू में आप देख सकते हैं इसके टायर है जो 21 इंच के दिए हैं, लेकिन इंडिया में ये 20 या 19 इंच के आएंगे। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर क्या क्या चीजें दे रखी हैं, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इसके डैशबोर्ड का आप देख सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं आपका यहाँ डोर ओपन हैंडल है वो भी आपके इसके अंदर ही दे दिया गया है। आप देख सकते हैं ग्लव बॉक्स के साथ साथ ऑटोमेटिक सीट्स वगैरह भी दे दी गई हैं। इसी के साथ साथ वेंटिलेटेड सीट भी इसके अंदर आएंगी। और आप देख सकते हैं इसका इंटीरियर एसी वेंट भी बहुत ही ज्यादा डेवलप दिया गया है। ग्लव बॉक्स के अंदर भी काफी ज्यादा स्पेस दिया गया है। ऊपर दी गई है लेदर फिनिशिंग के साथ साथ यहाँ पे दे रखा है कप होल्डर के साथ साथ। अब चलते हैं हम गाड़ी के भीतर कौन कौन से फीचर दिए गए हैं। बाहर आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको लिखा हुआ मिलेगा बाई टर्बो। आप देख सकते हैं इसकी DRL कैसे जलती है, ये बहुत ही अच्छे हैं। गाड़ी की बैक प्रोफाइल में आप देख सकते हैं कनेक्टेड DRL। सबसे पहले फोर्ड ही इस कॉन्सेप्ट को लेकर आया था। आप देख सकते हैं LED DRL के साथ साथ इसकी जो लुक है वो स्मोक फॉग में दे रखी है। इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं रियर डिफोगर और आप इसके अंदर रियर पार्किंग सेंसर भी देख सकते हैं। फोर्ड एंडेवर का इंडिया से जाने का लोगों को बहुत दुख था, इसीलिए फोर्ड ने दोबारा से डिसीजन लिया है कि फोर्ड एंडेवर को दोबारा से इंडिया में लॉन्च किया जाए। इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं रियर पार्किंग कैमरा और रियर वाइपर और ऊपर आप देख सकते हैं एंटीना। साइड से कुछ इस प्रकार की दिखाई देगी आपकी फोर्ड एंडेवर जो काफी मैसिव और बहुत ही ज्यादा तगड़ी लुक दिखाई देगी। इंडिकेटर भी काफी ज्यादा मैसिव लुक में दिया गया है और इसके अंदर 360 कैमरा भी आएगा। अब चलते गाड़ी के अंदर, आप देख सकते हैं इस प्रकार का आपको यहाँ पर लुक दिखाई देगा। इसके अंदर एम्बियंट लाइटिंग के साथ साथ बटन वगैरह भी काफी अच्छे लुक में दे दिए गए हैं। और अंदर चलते ही आपको दिखाई देगी यहाँ पर दोनों साइड पर आपको मेमोरी सीट फंक्शन मिलेगी। इसी के साथ साथ आप अंदर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेंगे बटन वगैरह, आपके फॉग लैंप, हेड लैंप और यहाँ पर मिलेगा आपको कप होल्डर। वुडन फिनिशिंग के साथ साथ यहाँ का डैशबोर्ड ब्लैक बीच में दे रखा है, लेकिन इंडिया में इसमें डैशबोर्ड में बहुत ज्यादा बदलाव किए जाएंगे, लेदर फिनिशिंग में ये डैशबोर्ड आएगा। इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं सीट की कुशनिंग वगैरह और यहाँ पे देख सकते हैं ये स्टोरेज बॉक्स में भी AC कूल्ड वगैरह आएगा। और आप देख सकते हैं गियर नॉब वगैरह, यहाँ पर स्टार्ट स्टॉप बटन दे रखा है। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी बहुत ही ज्यादा LED डिस्प्ले में कर दिया गया है जो पहले से ही आ रहा है। इसकी वजह से भी काफी ज्यादा लोगों का रुझान एंडेवर की तरफ आएगा क्योंकि फॉर्च्यूनर में ये सारी चीजें नहीं दी जाती। आप देख सकते हैं यहाँ के कंट्रोल्स वगैरह, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी बहुत ज्यादा बदलाव किया गया है। मोड वगैरह में भी काफी ज्यादा बदलाव किया गया है। डी कट में आपको स्टेयरिंग व्हील मिलेगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं पैसेंजर वगैरह के साथ साथ AC वेंट और यहाँ पे TFT डिस्प्ले नहीं दी गई है, LED डिस्प्ले दी गई है। 16 इंच की इस पर टच स्क्रीन दी गई है जिसमें बहुत सारे फीचर इनबिल्ट दिए गए हैं। आप 4x4 में भी इसको ले सकते हैं। इंजन वेरिएंट की बात करें तो दो इंजन स्पेक में आएगी, 2.2 लीटर और 2.2 टर्बो लीटर में आपको ये गाड़ी देखने को मिलेगी। तो परफॉर्मेंस के मामले में फोर्ड का कोई मामला नहीं है, इंजन के मामले में भी कोई टक्कर नहीं है। फॉर्च्यूनर कहीं पर भी इसके राइवल में नहीं खड़ी होती जिस प्राइस पॉइंट पर ये इंडिया में लॉन्च होगी। जो अभी के सूत्र जो बता रहे हैं इंडिया में ये लॉन्च होगी लगभग 40 लाख रुपए में इसका टॉप मॉडल लॉन्च होगा। आप देख सकते हैं फीचर से लोडेड है ये इसकी TFT डिस्प्ले। अब सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल ग्लैमर इंडिया। इसी के साथ साथ हम बताएंगे AC वेंट्स वगैरह के साथ साथ कंट्रोल्स भी आपको यहाँ पर ऐसे दिए गए हैं। तो काफी ज्यादा स्टोरेज वगैरह भी इसके अंदर दिया गया, ये दिया गया इसका गियर नॉब जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में कार आएगी। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग के साथ साथ हिल होल्ड वगैरह और बहुत सारे फीचर्स इसके अंदर आएंगे। आप देख सकते हैं कि इसकी सनरूफ भी काफी ज्यादा बड़ी है। यहाँ पर आपका सनग्लास होल्डर और सनरूफ खोलकर आपको बताएंगे। यहाँ पर लाइटिंग वगैरह में भी LED वगैरह दी गई है, तो सनरूफ भी काफी ज्यादा बड़ी दी गई है इसके अंदर, पैनारोमिक सनरूफ आएगी। फीचर्स और परफॉर्मेंस के मामले में फॉर्च्यूनर कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करती है फोर्ड एंडेवर के सामने। इसी को देखते हुए, इंडियन कस्टमर की डिमांड को देखते हुए फोर्ड ने दोबारा डिसीजन लिया है कि वो फोर्ड एंडेवर को दोबारा से लॉन्च करेगा इंडिया में। अब चलते हैं रियर सीट के अंदर क्या क्या चीजें इसके अंदर दी गई हैं। रियर सीट में भी काफी ज्यादा वाइड ओपनिंग के साथ साथ इसके अंदर बहुत ज्यादा कंफर्ट लेवल और यह देख सकते हैं बटन्स वगैरह भी दिए गए हैं। रियर AC वेंट भी इसके अंदर दिया गया है। सीटिंग पोजीशन भी काफी ज्यादा अच्छी दी गई है। आप देख सकते हैं अंदर बहुत सारे लोग आराम से बैठ सकते हैं और इसके अंदर AC वेंट और पीछे से इस प्रकार का इसका डैशबोर्ड दिखाई देता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर दे रखा है AC वेंट के कंट्रोल्स वगैरह। अब चलते हैं इसके बैक साइड पर, बैक साइड के अंदर क्या क्या चीजें दे रखी है, यानी जो इसका
अब चलते हैं फोर्ड एंडेवर के बूट स्पेस की तरफ। बूट स्पेस भी इसमें ऑटोमेटिक बूट दिया गया है जो ओपन हो जाएगा आपके पैर से ही, और आप इसको ओपन कर सकते हैं। जो रियर सीट्स हैं वो रिक्लाइन हो जाती है बटन से। ये थी फोर्ड एंडेवर जो इंडिया में लॉन्च होने वाली है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताइए। आप देख रहे थे ऑटो ग्लैमर इंडिया। धन्यवाद।